अभी ये है कि हमें कोई रियल साइंस सोशल साइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे भारत में क्या हुआ है जो ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस में जो पद्धति पद्धति का उपयोग किया जाता है वो एक्सट्रीमली फॉल्टी है, स्पेशली विज्ञान के अनुभव से। इनफैक्ट सोशल साइंस ये शब्द भी थोड़ा दुरुपयोग है। अभी अमेरिका में बहुत सारी जगह बहुत सारी विद्यापीठ में वो सोशल साइंस की जगह अभी सोशल स्टडीज ऐसा उसका वर्ड ये करते हैं, उसका एक कारण है। लेकिन मेरे बताने का तात्पर्य ये है कि आप गुहा में चले जाए और आपको पूरा डार्कनेस है और आपको रिमूव करना है, तो उसके लिए ये दो स्टेप प्रोसेस नहीं है कि आप कैंडल लगा दो और डार्कनेस को भी रिमूव करो। आप कैंडल लगा दिया तो डार्कनेस तो चला ही जाएगा, इट्स नॉट ए टू स्टेप प्रोसेस। ओके, ये दो स्टेप नहीं है, एक स्टेप में हो जाएगा। ये क्विकली आप जो पढ़ सकते हैं तो डेफिनेशन पीछे का लोगों को दिखेगा नहीं तो मैं पढ़ूंगा। द रियल साइंस, दिस इज अ कार्टून ऑफ कोर्स, बट यू नो व्हाट, द कार्टून टेल्स द ट्रुथ। माय द रियल साइंस सेज, द रियल साइंटिस्ट थिंक्स, माय हाइपोथेसिस डज नॉट कंफर्म विद रियलिटी, देयरफॉर माय हाइपोथेसिस शुड बी एडजस्टेड। मैंने जो सिद्धांत प्रतिपादन किया है वो एविडेंस के साथ मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब मुझे मेरा जो सिद्धांत है वो मॉडिफाई करना चाहिए, उसको बदलना चाहिए। ये रियल साइंस का मार्ग है। सोशल साइंस में, अब ये सोशल साइंस में जनरलाइज कर रहा हूं, मुझे जो कोई लोग सोशल साइंस में होके अच्छी तरह रिसर्च करते हैं उनकी मैं माफी मांगूंगा। इनफैक्ट माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं अभी आपको रामायण महाभारत और ऋग्वेद से जो संशोधन आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो सोशल साइंस में समझाया जाएगा। तो सोशल साइंस में, सोशल एरिया में तो है, लेकिन मेरा ये दावा है कि वो रियल साइंस से किया गया हुआ है और आपके सामने मैं रखूंगा और आप उसको क्वेश्चन पूछिए, आप उसको चैलेंज कीजिए। और ये तो एक 40 मिनट एक घंटे का बात है, लेकिन मैं आपको ये भी इंकरेज करूंगा, अनुरोध करूंगा कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज है, मेरे ब्लॉग में 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स है, वो आप जिसको जिनको इंटरेस्ट है, और जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो भी पढ़ने लगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो दूसरा डेफिनेशन है सोशल साइंस का, वो माय हाइपोथेसिस डज नॉट कंफर्म विद रियलिटी, देयरफॉर रियलिटी शुड बी एडजस्टेड। तो मेरा जो सिद्धांत है वो एविडेंस के साथ मैच नहीं हो रहा है, रियलिटी के साथ जो एक्चुअल वास्तविकता है उसके साथ मैच नहीं हो रहा है, तो वास्तविकता को बदलना चाहिए। ये सबसे डेंजरस चीज है, लेकिन वो सब दुनिया भर हो रही है। अभी हम उसमें फर्क कैसा करें, तो ये पांच एलिमेंट्स है वैज्ञानिक पद्धति के, पांच एलिमेंट्स है। जो सबसे टॉप में आपको दिख रहा है वो थियरी, अभी हम सिद्धांत शब्द यूज करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बदल आपको बताना चाहता हूँ कि सिद्धांत जनरली क्या होता है। आपने एक उसके लिए सॉल्यूशन सोचा, एक समाधान का, ऐसा आपको लग रहा है कि ये प्रश्न का समाधान ये है, ऐसा आपका एक तर्क है, वो इमीडिएटली सिद्धांत नहीं होता, उसको एक प्रोसेस से जाना पड़ेगा और उसके बाद वो सिद्धांत करके प्रस्तावित होता है। इतना ही नहीं, कोई भी सिद्धांत हो वो ऑलवेज, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कि टेंटेटिव है, वो कभी भी ऐसा अभी चलो अभी अबाधित काल अबाधित सत्य नहीं है वो। इसका कारण भी है, अपने अभी गांधी जी ने आपको हमें शब्द दिया सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। ओके, वो शब्द तो ठीक है, अभी वो प्रचलित हो गया करके हम यूज करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ वो आग्रह चीज एक्चुअली इतना करेक्ट नहीं है, साइंटिफिकली स्पीकिंग वो करेक्ट नहीं है। आग्रह मीन्स क्या, इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, हम सत्य पे ही बोलेंगे कि सत्य का ही ये मार्गदर्शन है। लेकिन क्या होता है, कोई भी फील्ड में, साइंस हो सोशल साइंस हो, फील्ड का फर्क नहीं, हमें सत्य जो है वो एकदम सडनली हमारे सामने खड़ा नहीं रहता। सत्य का एक्चुअली सत्य ग्रह, सत्याग्रह से भी सत्य शोधन ये शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा, कि हम उसको सर्च कर रहे और हमारे थोड़ा छोटा छोटा अंश से हमारे सामने आता है वो सत्य, हमने ग्राह्य किया। सो सत्याग्रही से भी सत्य ग्राही, जो हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं सत्य को, और वो इटरेटिव प्रोसेस है। थोड़ा सा अंश मिलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम आप फिर ट्राई प्रयत्न करोगे आप और अंश मिलेगा, ऐसी ये प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया ये पांच बिंदु से, पांच पॉइंट से चलती है। जो पहला हमारा है वो सिद्धांत हम एक कोई सजेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो नीचे के जो चार पॉइंट है ना, 2, 3, 4, 5, अभी ये बड़ा ऑडियंस है करके मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, लेकिन एक ऐसा प्रश्न जरूर आप मन में तो उसका उत्तर दीजिए, वो ये है कि ये जो विज्ञान हम कहते हैं, साइंस कहते हैं, वो पूरा वर्ल्ड में, विश्व में कहां चालू हुआ,
जब मैं ये प्रश्न आपको पूछ रहा हूं तो आप आपके मन में उत्तर तो सोचिए, जरूर सोचिए, यू नो रॉन्ग भी आंसर हो सकता है, लेकिन जरूर सोचिए वो दुनिया में कहां चालू हुआ। आपने ये टेक्स्ट बुक में जरूर पढ़ा है कि दुनिया में कहां चालू हुआ। मैं आपको उसका उत्तर देता हूं और बहुत लोग आप सोचिए कि कितना लोगों ने वही पढ़ा है। हमें ये पढ़ाया जाता है कि ये जो विज्ञान का जो प्रिंसिपल है, जो मेथड है, वो ग्रीस में चालू हुआ। अभी आप क्विकली मुझे हाथ ऊपर कीजिए इफ आपने ये पढ़ाया है कि वो जो ये था वो ग्रीस में चालू हुआ, ऐसा जो किसी ने पढ़ा होगा तो नहीं। ओके, वेरी गुड, आई सी, वेरी गुड, थैंक यू, आई सी लॉट्स ऑफ हैंड्स। तब ठीक है, वो ग्रीक में भी चालू हुआ होगा, लेकिन मैं आपको भारतीय उसका एविडेंस बताना चाहता हूँ। जो नीचे का जो चार पॉइंट है उसमें मैंने थोड़ा संस्कृत वाला शब्द उधर लिखा है। नेक्स्ट तो पतंजलि, हमारे जो सेज पतंजलि है जिन्होंने योग सूत्र लिखा, उन्होंने समाधिपाद अध्याय 7 में, श्लोक 7 में वो लिखते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणादि। प्रत्यक्ष दैट इज ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग, अनुमान विच इज इन्फरेंस और प्रेडिक्शन, आगम विच इज द बैकग्राउंड नॉलेज। आपने एक बार सिद्धांत तो कर दिया तो अकॉर्डिंगली करस्पॉन्डिंग आपको बैकग्राउंड नॉलेज का यूज करना पड़ेगा। आगम बैकग्राउंड नॉलेज मीनिंग एस्टैब्लिश नॉलेज, आगम प्रमाणानि, और प्रमाण मीन्स एविडेंस, डिस्क्रिप्शन, ओके, और बेसिकली वट एवर यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। जो मैंने आपको बोला सेज पतंजलि का, तो ये है इधर है, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि, पतंजलि योग सूत्र समाधि पाद 7। इससे भी बड़ी बात कौन सी है, उसके जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें वो क्या कहते हैं। जैसा कि मैंने कैंडल का एग्जांपल दिया कि कैंडल आपने लाइट कर दी तो डार्कनेस रिमूव करने का अलग स्टेप नहीं है, तो ये बोलते हैं कि जो हमें जो प्रमाण जो साइंस है उसका ये स्टेप है, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि, एक्सप्लेनेशन प्रेडिक्शन टेस्टिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ थियरी एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज। वो जो सेकंड वर्स बोलता है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण वर्स है। पतंजलि से विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, एनीथिंग कॉन्ट्ररी, एनीथिंग दूसरे उससे पूरा उससे कोई भी विरुद्ध पद्धति हो संशोधन करने की, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, उसको हम वो मिथ्या है, फॉल्स है, ऐसा कंसिडर करना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, ये फॉलो करो प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि, एनीथिंग एल्स इज फॉल्स, मिथ्या ज्ञान। सेज गौतम ने वही कहा है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। सेज गौतम न्याय दर्शन जो हमारा तर्कशास्त्र का ग्रंथ है उसमें बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाणानि, उसमें जो शब्द है, शब्द जो यूज किया है उसके लिए आगम के लिए शब्द यूज किया है, और उपमान एनोलॉजी एक एडिशनल उन्होंने ऐड किया है। ना आप बोलोगे चलो ये तो इधर हमारे ग्रंथ का शब्द किया, संत लोग तो तभी हुए नहीं, अभी भी संत सब जगह घूम रहे, सेजेस घूम रहे, विद्वान सब जगह है, सिर्फ भारत में ही नहीं है। इसलिए मैं उनको सेज कार्ल पॉपर बोलता हूँ, कई लोगों ने आपने पढ़ा होगा, इज अ वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ नॉट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर ऑफ साइंस, सर कार्ल पॉपर। He taught at London School of Economics for many years. ये योगा योग की बात ऐसी है कि जो मेरा फर्स्ट बुक पब्लिश हुआ 2011 में, When did the Mahabharata War happen? और उसका एक ब्लाइंड रिकमेंडेशन रहता है कि कोई प्रोफेसर करेगा वो, जो मुझे भी कोई पता नहीं, तो मेरा बुक लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का इमरे लाकाटोस करके अवार्ड है, जिसको जो अवार्ड इसलिए दिया जाता है हर साल कि ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिलोसॉफी ऑफ साइंस, कि विज्ञान क्षेत्र के जो तत्वज्ञान है उसमें जो कोई ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन करता है उसके लिए मेरा बुक नॉमिनेट हुआ, जो पहला बुक हुआ कि जो वही स्कूल में वो सिखाते थे। वो क्या कहते हैं, वो एग्जैक्टली जो पतंजलि ने कहा वही कहते हैं, एक्सप्लेनेशन प्रेडिक्शन टेस्टिंग, इम्पैक्ट में थोड़ा टाइम पहले बोला आपको, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ थियरी एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज। और सेज, मैं नाम दे रहा हूँ सेज रिचर्ड फाइनमैन, आप बहुत लोगों ने नाम सुना होगा उनका। वो क्या कहते हैं, आपके पास पहले सब विज्ञान का जो शुरुआत होती है, वैज्ञानिक प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है वो कई प्रॉब्लम से होती है। जैसा कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, मीन्स लोगों ने किया तैयार किया हुआ, हम तो कभी पहले क्वेश्चन नहीं किया था कि रामायण क्या ये सच है या कोई फिक्शन है, महाभारत क्या ये सच है या कोई फिक्शन है, ऋग्वेद में जो मंत्र है वो सिर्फ मंत्र ही है कि उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है,
ये हमारे प्रश्न है और ये प्रश्न का उत्तर हम वैज्ञानिक पद्धति से कर सकते हैं। नहीं तो दूसरी पद्धति कौन सी है? दूसरी पद्धति मैं ये लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगा। तो रिचर्ड फेनमैन कहते हैं कि पहले आपको एक कोई सॉल्यूशन गेस करना है, वो प्रश्न का समाधान आप सोच सकते हो, वो समाधान ठीक है कि नहीं पता नहीं, वो कैसा आप फाइंड आउट करोगे? आप उसका इंग्लिश में बोलते हो कंप्यूट कॉन्सिक्वेंसेस, मीनिंग आप ये हमारा समाधान है तो ये बातें होनी चाहिए। वो करने के बाद हम आके जाके एविडेंस देखते हैं और क्या वो एविडेंस और जो हमने प्रेडिक्ट किया ये बातें होनी चाहिए, क्या उसका मिलजुल है, उसके मिलन है, नहीं है तो हमारा समाधान गलत है। ये साइंस की प्रक्रिया है और हम बदलना चाहिए। तो महाभारत के पीछे आ जाता हूं। मेरा जो संशोधन है वो महाभारत का अलग अलग टाइप का एविडेंस है, लेकिन आज मैं आपको आपके सामने जो दिखा रहा हूं वो स्पेसिफिकली एस्ट्रोनॉमी के बारे में, जो ज्योतिष के संबंध ज्योतिष के संदर्भ है उसके बारे में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ज्योतिष बोला तो मुझे ये डर है कि ये लेक्चर के बाद आप मेरे पास आओगे और मेरा क्या शादी कब होने वाली है, जॉब कब होने वाली है पूछोगे। इसलिए मैं वेरी क्लियर करना चाहता हूं कि जब मैं ज्योतिष बोल रहा हूं तो मैं एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि भारत में ज्योतिष में फर्क नहीं था, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी में फर्क नहीं, इन द सेंस बिकॉज हम जो एस्ट्रोलॉजी सोचते हैं ना, हाथ दिखाते हैं और पत्रिका दिखाते हैं, वो फल ज्योतिष है और उसके विषय में मेरा कोई इधर चर्चा नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ वो एस्ट्रोनॉमी, जैसा कि प्लैनेट्स की मूवमेंट, स्टार्स की मूवमेंट, पूरा अर्थ का रोटेशन, सिर्फ उसके उससे ये सब्जेक्ट निगड़ित है। तो महाभारत आप पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा, मुझे इतना मिला, 200 से ज्यादा बहुत स्पेसिफिक ऐसे ज्योतिष या एस्ट्रोनॉमी के संदर्भ में मिलते हैं, नॉट एस्ट्रोलॉजी। उसको मैं दो पार्ट्स में सेपरेट करता हूं, दोनों में विभाजन कर देता हूं, उसका कोई रीजन है। उसमें से कोई जो संदर्भ हमें मिलते हैं वो बहुत ही पावरफुल एविडेंस है। क्यों पावरफुल है उसका मैं आपको एक प्रात्यक्षिक दिखाऊंगा। उसको मैं बोलता हूं इफेक्ट्स ड्यू टू प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्सेस, मतलब उसका क्या ट्रांसलेशन किया जाए तो संपात चलन और अयन गति, ऐसा उसका ट्रांसलेशन है, उसके कारण से होने वाले कोई संदर्भ है। और जो दूसरा ग्रुप है उसके संदर्भ में इंग्लिश में इफेक्ट्स ड्यू टू नियर अर्थ फिनोमिनन, मींस क्या कि अर्थ के नजदीक से जो पृथ्वी के नजदीक से जो प्लैनेट्स है, हमारा चंद्र है, उसके कारण जो हम ज्योतिष में जो बातें करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, तिथि, राइट, तिथि का हम बात करते हैं, चंद्र का कला क्या है वो बात करते हैं, आज पूर्णिमा है कल अमावस्या ऐसा हम जो बात करते हैं, दिन जो ग्रह है हमारे बुध शुक्र मंगल बृहस्पति मीन्स गुरु शनि, उनका स्थिति कहाँ है हम आकाश में देख सकते हैं। और हो गए जो स्टार्स, वो तो स्टार्स तो ज्यादा मून नहीं होते, वो भी वो ब्लू साइड में आ जाएंगे। ये हो गई महाभारत की कथा। आप रामायण में देखोगे तो रामायण में 500 से ज्यादा स्पेसिफिक ज्योतिष के संदर्भ मिलते हैं और उसको भी हम दो भाग में ऐसे दिखा सकते हैं। उसमें से जो ब्लू पार्ट है ना वो बहुत वेरी वेरी पावरफुल। क्यों पावरफुल आपको मैं प्रत्यक्ष करके दिखाऊंगा। उसका जब हम वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण करें तो हमें ऐसी टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है कि कब महाभारत हुआ, कब रामायण हुआ, ये उससे नहीं पता चलता एक संदर्भ से, लेकिन वो एक संदर्भ से ऐसा पता चलता है कि ये तारीख के बाद रामायण या महाभारत डेफिनेटली हुई नहीं। वही संदर्भ से ये भी पता चलता है कि ये पर्टिकुलर डेट के पहले कभी रामायण और महाभारत हुई नहीं। ये जो ब्लू में जो दिख रहे हैं ना आप, सनसेट्स एट पुष्य ड्यूरिंग हेमंत, सूर्य का सूर्यास्त होना हेमंत ऋतु में, ये रामायण के टाइम की बात है। और सूर्य का जो स्थिति था, जो जगह था, वो पुष्य नक्षत्र के नजदीक था। अब उसका क्या महत्व है, आज हमारे टाइम में अगर आप पीछे 2 महीने चले जाओ, लाइक नवंबर दिसंबर जो हमारा हेमंत ऋतु है 21 दिसंबर के पहले, और आप सनसेट सन सूर्यास्त होने के बाद आप देखते होंगे तो आपको दिखता होगा कि उधर का जो नक्षत्र है वो मूल बोलते हैं नक्षत्र, और पूर्वाषाढ़ ऐसा मिलेगा। लेकिन महाभारत में लिखा है वो पुष्य नक्षत्र था, अभी का नक्षत्र नहीं था।
तो हम जो एस्ट्रोनॉमी का विज्ञान है आगम मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी पूरा प्रॉपर मोशन उसका हम उपयोग करके हम पीछे जा सकते हैं और ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कब हुआ होगा। तो ये जो ब्लू का जो रेफरेंसेस है उसका ये पावर है। अगेन ये रिमेम्बर करो हम वही यूज करेंगे जो ट्राइंगल एक्सप्लेनेशन प्रेडिक्शन टेस्टिंग। तो मैंने क्या किया, महाभारत में मोर 200 से ज्यादा रेफरेंसेस है उसका एक एक रेफरेंस लेके मैं ऑब्जेक्टिवली टेस्ट किया और उससे मुझे ये कंक्लूजन पे मैं पहुंचा कि महाभारत युद्ध ये 5561 बीसी में हुआ। रामायण के बारे में यही किया, रामायण में 500 से ज्यादा संदर्भ है, अगेन उसका एक एक संदर्भ लेके ऑब्जेक्टिवली टेस्ट किया और उससे ये आया कि राम रावण जो युद्ध है वो 12209 और 12209 बीसी में हुआ। तो मैं जब ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है, बिकॉज सोशल साइंस की हम जब बात करते हैं तो जनरली आपको क्या सुनने को मिलेगा कि अच्छा ये प्रोफेसर या ये कोई जो उसमें जो सोशल एक्सपर्ट है, सोशल साइंस एक्सपर्ट, उनके अनुसार ऐसा कहा जाता है, ऐसी टाइप की आपको लैंग्वेज मिलती है। ओके, अकॉर्डिंग टू सो एंड सो प्रोफेसर फ्रॉम हार्वर्ड, सो एंड सो प्रोफेसर फ्रॉम कोलंबिया, सो एंड सो प्रोफेसर फ्रॉम कैलिफोर्निया बर्कले, ये लोग हमें हमारा इतिहास सिखाते हैं और फिर उनके जो शिष्य होते हैं वो भी सिखाते हैं भारत में हमें। तो जनरली हमें ओपिनियंस, अग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स उसमें ही पड़ा रहता है। ये जो वैज्ञानिक जो फ्रेमवर्क है उसमें ओपिनियन के लिए जगह नहीं है, ओपिनियन के लिए भी जगह है लेकिन वो कहाँ है, आप सिद्धांत निर्माण करते हो, आप समाधान सोचते हो, उसमें ओपिनियन का वैल्यू है। लेकिन एक बार आपने समाधान का तर्क बता दिया तो इसका मतलब वो समाधान का तर्क सिद्धांत नहीं बन गया, उसके लिए तो बीच में ये हर्डल है, ये जो ट्रायंगल है वो हर्डल है। प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण एक्सप्लेनेशन प्रेडिक्शन टेस्टिंग आपको उसमें